हेलो, वेलकम है एक नए लेक्चर इस ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में। लास्ट वाले लेक्चर में हम लोग रिफ्रैक्शन का बात कर रहे थे। उसी रिफ्रैक्शन में आगे अगर बढ़े तो एक टर्म हम लोग को सीखना है। इस रिफ्रैक्शन में अगर बात करें तो एक टर्म और हम लोग को सीखना है, इसको हम बोलते हैं प्रिज्म। थोड़ा बहुत आइडिया इसमें 10th में पढ़ना था, उसी में थोड़ा डिटेल में आगे यहाँ पे पढ़ना है। व्हाट इज अ प्रिज्म? तो ध्यान रहे, अभी तक हम लोग बात कर रहे थे रिफ्रैक्शन मतलब किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल, जहां पे लाइट के मीडियम चेंज करने के कारण लाइट के डायरेक्शन में चेंजेस का बात था, उसमें कुछ डेविएशन का बात था। ऑब्जेक्ट किसी और मीडियम में देख किसी और मीडियम से रहते थे, तो ऑब्जेक्ट अपने जगह पे जाने दिखने के बजाय लाइट के अपने डायरेक्शन के चेंज करने के कारण कहीं और दिख रहा है। उसी रिफ्रैक्शन में अगर बात करें तो एक टर्म विच इज प्रिज्म। इस तरह से ऑलरेडी एक ग्लास स्लैब सीखे थे, बस अंतर याद कीजिए थोड़ा सा। ग्लास स्लैब में फेस पैरेलल था, लाइट में कोई डेविएशन नहीं था, पैरेलली शिफ्ट करता था। यहां पे प्रिज्म का बात कीजिएगा तो ये एक तरह का ग्लास स्लैब ही है, बस अंतर ये है कि ग्लास स्लैब में फेस पैरेलल होता था, लेकिन यहां पर फेस पैरेलल होने के बजाय फेस कुछ तिरछा हो। थोड़ा अगर डिफिनेशन का बात करें प्रिज्म में, तो प्रिज्म मतलब एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल, जस्ट लाइक जैसे ग्लास स्लैब में था, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय एनी नंबर ऑफ सरफेसेस। जितना भी सरफेस से बाउंड किया हुआ हो उससे कोई फर्क नहीं, 3 हो, 4 हो, 6 हो, 10 हो, कितना भी फेस हो सकता है। एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय नंबर ऑफ सरफेसेस सच दैट द सरफेस ऑन विच लाइट इज इंसिडेंट, जिस फेस पे लाइट इंसिडेंट कर रहा है और जिस फेस से लाइट बाहर निकल रहा है। ग्लास स्लैब में प्लेन था और पैरेलल था, लेकिन यहां पर पैरेलल नहीं, नॉन पैरेलल होना चाहिए। प्रिज्म अलग अलग शेप का होता है। जनरली जो प्रिज्म हम लोग को यूज होता है वो इस तरह से होता है, इस तरह से इक्विलेटरल शेप में आपका प्रिज्म जनरली जो हम लोग यूज करते हैं। ऐसे प्रिज्म अलग अलग कैसा भी शेप का हो सकता है, प्रिज्म अलग अलग कैसा भी हो सकता है, जनरली इस तरह से, जिसको इतना कॉम्प्लेक्स डायग्राम में दिखाने के बजाय सिर्फ इसका फ्रंट फेस कुछ इस तरह से प्रिज्म हम लोग दिखाते हैं। प्रिज्म मतलब एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल, सरफेस बहुत सारा जितना मन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट मटेरियल, बस जिस फेस पे लाइट इंसिडेंट कर रहा है, जिस फेस से लाइट बाहर निकल रहा है वो प्लेन होना चाहिए लेकिन नॉन पैरेलल। अगर वो पैरेलल होता तो वो ग्लास स्लैब होता, जो ऑलरेडी हम लोग पहले से रिफ्रैक्शन में सीखे। कि अब इसको अगर सिंबल में दिखाना हो इस तरह से, लाइट किसी एक फेस पे आएगा कुछ एंगल से, एंगल हमेशा सरफेस के नॉर्मल से दिखाते हैं, कुछ एंगल से आएगा, मीडियम चेंज होने के कारण एंगल चेंज करेगा, अब फाइनली कहीं इमर्ज कर रहा हो। जिस फेस पे लाइट इन कर रहा है और जिस फेस पे बाहर निकल रहा है, अगर वो प्लेन है और अगर वो नॉन पैरेलल कुछ एंगल पे है, तो इस ट्रांसपेरेंट मटेरियल को आप स्लैब, इस ट्रांसपेरेंट मटेरियल को आप प्रिज्म बोल सकते हैं। हाँ, अगर ये तिरछा होने के बजाय अगर पैरेलल होता तो वो ग्लास स्लैब कहलाता, जो ऑलरेडी हम लोग पहले से एक बार सीख चुके हैं। प्रिज्म अलग अलग कैसा भी शेप का हो सकता है, अगर तीनों साइड इक्वल है तो इक्विलेटरल प्रिज्म होगा। प्रिज्म इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल में भी हो सकता है। बस था क्या कि जिस फेस पे लाइट इंसिडेंट करे, जिस फेस पे लाइट इंसिडेंट करे और जिस फेस से लाइट बाहर निकल रहा है, अगर वो प्लेन और अगर नॉन पैरेलल हो, कुछ एंगल पे हो, तो दैट ट्रांसपेरेंट मटेरियल, उसको प्रिज्म बोल सकते हैं। शेप के हिसाब से अलग अलग नाम से आप पुकार सकते हैं। अगर शेप इक्विलेटरल है तो उसको आप इक्विलेटरल प्रिज्म बोलते हैं। अगर एक 90 डिग्री बना रहा है तो इसको आप राइट एंगल ट्रायंगल प्रिज्म बोल सकते हैं।
प्रिज्म ऐसा भी हो सकता है, अलग अलग चाहे जैसा भी सिर्फ हो, चाहे जितना भी सरफेस से बाउंड हो। हाँ, लाइट जिधर से इन कर रहा है और जिधर से बाहर निकलेगा वो पैरेलल नहीं होना चाहिए। अगर लाइट इधर से आया इधर गया तो उसको हम प्रिज्म नहीं, फिर वो ट्रांसपेरेंट ग्लास लग हो। लाइट हाँ अगर इस फेस से इन किया, अगर इस फेस से बाहर निकल रहा है प्लेन हो, अगर कुछ एंगल पे हो जिस फेस पे लाइट आए और जिस फेस से लाइट बाहर निकले, प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल। अंतर बस ग्लासलर इसमें ये है कि ग्लासलर में जिस पे फेस पे लाइट आता था और जिस फेस से लाइट बाहर निकलता था वो प्लेन और पैरेलल था, यहां तो वो प्लेन और नॉन पैरेलल होगा, अलग अलग शेप का जैसा भी हो सकता। ये तो था कि प्रिज्म होता गया है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ टर्म है जिसके हेल्प से उस प्रिज्म को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। जहां पर सबसे पहला टर्म इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, या इसको एक और नाम से कभी कभी मिलेगा आपको क्वेश्चन में बनाया हुआ, इसको कभी कभी एपेक्स एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। एंगल ऑफ प्रिज्म, एपेक्स एंगल ऑफ प्रिज्म, इसको एक और नाम से कभी कभी पुकारते हैं रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, है क्या? तो बात था प्रिज्म के डिफिनेशन में कि एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड बाय नंबर ऑफ सरफेसेस। हां, जिस फेस पे लाइट इन कर रहा है और जिस फेस से लाइट बाहर निकल रहा है वो प्लेन के बजाय कुछ एंगल पे, और जितने एंगल पे होगा इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, जिसको जनरली हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगल ऑफ प्रिज्म विच रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, एपेक्स एंगल ऑफ प्रिज्म, दैट इज एंगल बिटवीन द फेसेस ऑन विच लाइट इज इंसिडेंट एंड इमर्जेस। जिस फेस पे लाइट आ रहा है जिस फेस से बाहर निकल रहा है वो नॉन पैरेलल था, कुछ एंगल पे था, जितने एंगल पे वो फेस होगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रिज्म। इस केस में लाइट इस फेस पे आ रहा है और इस फेस से बाहर निकल रहा है, दोनों प्लेन है लेकिन नॉन पैरेलल कुछ एंगल पे है, और जितने एंगल पे है दैट इज उसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। अगर इस केस में अगर बात करें लाइट इस फेस पे आ रहा है, इस फेस से बाहर निकल रहा है, दोनों फेस के बीच जो एंगल होगा उसको आप एंगल ऑफ प्रिज्म बोल सकते। ये दोनों तिरछा है, कितना तिरछा है, तो ऊपर मटेरियल नहीं भी है तो इसको एक्सटेंड कर किस तरह से दिखा सकते हैं, और ये जो एंगल होगा इसको आप एंगल ऑफ प्रिज्म बोल सकते हैं। हाँ, ट्रेपीजियम शेप का है तब इसको ट्रेपीजियम प्रिज्म बोल सकते हैं, ये राइट एंगल प्रिज्म हुआ, ये अगर तीनों साइड इक्वल है तो इक्विलेटरल प्रिज्म आप बोल सकते हैं, अगर दो साइड इक्वल होगा तो आइसोसेलस प्रिज्म आप बोल सकते हैं। तो अलग अलग से जैसा भी हो उस प्रिज्म को रिप्रेजेंट करने में एक टर्म था एंगल ऑफ प्रिज्म, इसी में एक और टर्म है, याद कीजिए हम लोग सीखे थे कि जब ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब था तो लाइट जाना इधर चाहिए था लेकिन उधर जाने के बजाय स्लैब से पास करने में लाइट पैरेलली शिफ्ट करता था, पैरेलली शिफ्ट करता था, कोई डेविएशन नहीं था। लेकिन तब जब ग्लास स्लैब जिस फेस पे लाइट आ रहा था और जिससे बाहर निकल रहा था वो प्लेन ऑफ पैरेलल था, जिसको स्लैब बोल रहे थे, लाइट डेविएट नहीं कर रहा था, पैरेलली शिफ्ट कर रहा था, लेकिन जिस फेस से लाइट बाहर निकल रहा अगर वो तिरछा हो तो दैट इज कॉल्ड एज प्रिज्म। उस समय डेविएशन होगा और जितने एंगल से डेविएशन होगा इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। किसी प्रिज्म से, प्रिज्म मतलब एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल, अलग अलग शेप कैसा भी हो सकता है, बाउंडेड बाय नंबर ऑफ सरफेसेस। हां, जनरली जब तक नहीं कुछ बोला जाए प्रिज्म का मतलब इसी तरह से हम लोग मान के चले। लाइट किसी फेस पे आ रहा होगा इस तरह से, एंगल हमेशा नॉर्मल से दिखाते हैं। अगर इस प्रिज्म के इस फेस पे लाइट अगर I1 एंगल से आ रहा है इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 लिख सकते हैं। लाइट जाना इधर चाहिए था लेकिन मीडियम चेंज होने के कारण
रेयरर से, जब तक नहीं कुछ बोला गया एयर में मान के चलेंगे, एयर से डेंसर मीडियम जाने में लाइट नॉर्मल के तरफ बेंड करेगा। आई वन एंगल से आ रहा था इस मीडियम में, नॉर्मल से कुछ एंगल बनाएगा अगर ये नॉर्मल, अगर ये आई वन अगर सीधा पास करता तो ये भी आई वन होता, लेकिन कुछ इधर पास कर रहा है तो इसको आर वन लिख रहा है, मतलब इस एंगल को अगर लिखना चाहे तो आई वन माइनस आर वन लिख सकते हैं। लाइट आ इधर रहा था, इस मटेरियल के अंदर पास करने में एंगल चेंज हुआ, अब फिर जब यहां से बाहर निकलेगा तो फिर डायरेक्शन चेंज करेगा। इसके अंदर कुछ एंगल बनाएगा, अगर इस एंगल को अगर R2 से लिखे अब बाहर निकलने वाले एंगल को अगर I2 से, कुछ होगा लाइट कुछ एंगल से बाहर निकल रहा, आना आ इधर रहा था जाना इधर चाहिए था, लेकिन एक बार मीडियम चेंज करने के बाद इधर गया, अब फिर मीडियम चेंज करने के बाद इधर गया, विच ओरिजिनली जाना इधर चाहिए था लेकिन गया इधर, अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से कुछ एंगल से डेविएट किया, अंदर इज कॉलेज प्रिज्म से लाइट पास करने में मीडियम चेंज होने के कारण अपने ओरिजिनल डायरेक्शन के जगह जाने के बजाय कहीं इधर जा रहा है, कुछ एंगल से डेविएट कर रहा है, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको लैंग्वेज में बोल सकते हैं एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट, जो रे बाहर नहीं कर रहा है। जहां पे अगर रिलेट करे तो एंगल ऑफ जो डेविएशन आ रहा है वो कितना आ रहा है आप देख सकते हैं, पहला बार लाइट इधर जाने के बजाय इधर गया, कितने एंगल से डेविएट किया, I1 माइनस R1, पहला वाला में इधर जाना था इधर गया, कितने एंगल से डेविएट किया, जाना कहीं इधर था लेकिन इधर गया कुछ और एंगल से, यहां से रिलेट कीजिएगा तो ये वाला आ जाएगा I2 माइनस R2, सीधा जाता तो I2 I2 होता, लेकिन ये R2 होने के कारण यहां लिखेगा तो I2 माइनस R2, जिसको थोड़ा सा अरेंज कीजिएगा तो I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। किसी प्रिज्म से लाइट आ इधर रहा था, प्रिज्म से पास करने में इधर जा रहा है, कुछ एंगल से डेविएट कर रहा है, पहली बार इतने एंगल से, दूसरी बार इतने एंगल से डेविएट कर रहा है, टोटल एंगल ऑफ डेविएशन आप रिलेट कर सकते हैं। इसी डेविएशन जो इस प्रिज्म के अंदर से पास करने में है, इसको थोड़ा सा अगर और रिलेट करना चाहे तो इस फिगर से आप देख सकते हैं, देखिए थोड़ा सा अगर इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करें तो ये R1 है ये R2 है, ये कुछ एंगल होगा, कुछ होगा, अगर इस तीनों एंगल का सम अगर लिखें तो R1 प्लस R2 प्लस थीटा बराबर कितना आ जाएगा, ट्रायंगल है 180 डिग्री, साथ साथ ये प्रिज्म का एंगल हुआ जिसको एंगल ऑफ प्रिज्म बोल रहा था। अगर इस क्वाड्रिलेटरल में अगर बात कीजिएगा, ये एक तरह का क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, मान लेते हैं ये पॉइंट पी, ये अगर बी, ये कहीं सी होगा, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी पी सी, अगर इस वाले क्वाड्रिलेटरल में बात करें तो आप देख सकते हैं कि इस वाले को एंगल को हम एंगल ऑफ प्रिज्म बोल रहे थे, इसका ये नॉर्मल लाइन था, इस फेस पे ये नॉर्मल था, एंगल यहां से ले रहा था, नॉर्मल होने का मतलब अगर ये ए है ये वाला 90 होगा, ये ए ये 90 होगा, ये वाला थीटा था, अब प्लस ये भी इस फेस पे नॉर्मल, इस फेस पे वहां भी 90 होगा, अब क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम कितना 360 डिग्री, जहां पे 90 90 में 180 हट जाने के बाद यहां से आप लिख सकते हैं कि a प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री, जिसमें अगर इसको इक्वेशन वन अगर इसको इक्वेशन टू, तो फ्रॉम वन एंड टू आप देख सकते हैं, देखो थोड़ा सा
यहाँ पे आर वन प्लस आर टू बराबर थीटा है, यहाँ पे ए प्लस थीटा है, थीटा थीटा को अगर छोड़ दीजिएगा तो ए बराबर आप लिख सकते हैं आर वन प्लस आर टू। अगली बार कभी प्रिज्म में अगर लाइट नॉर्मल से अगर नीचे ध्यान रहे, अगर लाइट नॉर्मल से नीचे की वजह नॉर्मल से ऊपर गया तो ये बात वैलिड नहीं होता। प्रिज्म पे लाइट कुछ एंगल से आ रहा है, लाइट इस नॉर्मल से देख रहे हैं, इधर से भी सोच सकते हैं, इधर से भी तो सोच सकते थे, उसी फेस पे आ रहा है। इस फेस पे अगर ये नॉर्मल है तो लाइट ऐसा भी सोच सकते हैं, ऐसा भी सोच सकते हैं। ये बात तब वैलिड है जब नॉर्मल से लाइट नीचे से आए, जब लाइट नीचे से आएगा इधर जनरली जब तक नहीं कुछ बोला जाए ऐसे ही सोचेंगे, लाइट नीचे से इस तरह से आ रहा है, इस तरह से ये लाइट बेस के तरफ डेविएट कर रहा है, इस प्रिज्म का ये बेस के तरफ डेविएट कर रहा है, कुछ एंगल से डेविएट कर रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन इतना जिसमें आर वन प्लस आर टू जो प्रिज्म के अंदर एंगल बना रहा था, इस आर वन प्लस आर टू को आप ए लिख सकते, R1 प्लस R2 को A लिखने का मतलब आप बोल सकते हैं कि हेंस जो एंगल ऑफ डेविएशन है, अगली बार अगर निकालना हो तो इस डेविएशन का वैल्यू I1 प्लस I2 इस R1 प्लस R2 को हटा के इस प्रिज्म के एंगल A से लिख सकते हैं। मतलब अगर किसी प्रिज्म पे लाइट आ रहा है, जाना इधर था लेकिन गया इधर, कुछ एंगल से डिवाइड किया, एंगल ऑफ डेविएशन इस बात पे डिपेंड करेगा कि लाइट कितने एंगल से आ रहा है, साथ साथ इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि कितने एंगल से बाहर निकल रहा है। फॉर अ गिवन प्रिज्म आर वन प्लस आर टू प्रिज्म के एंगल पे डिपेंड करेगा, फॉर अ गिवन प्रिज्म लाइट कितने एंगल से आ रहा है और साथ साथ कितने एंगल से बाहर इमर्ज कर रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा कि एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो। वही इस चैप्टर में, इस टॉपिक प्रिज्म में जो स्लैब ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब से अंतर है, ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब जब सीखे थे तो फेस पैरेलल होता था, लाइट में कोई डिविएशन नहीं था, लेकिन प्रिज्म में फेस तिरछा होने के कारण, कुछ एंगल पे होने के कारण लाइट इस प्रिज्म से पास करने में डेविएट होता है। अलग अलग कंडीशन में क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछा जाता है कि किसी प्रिज्म से लाइट पास करने में कितने एंगल से डेविएट करेगा और अगर डेविएट करेगा तो उसे क्या इफेक्ट होगा। तो हम लोगों को सीखना है, अलग अलग कंडीशन में सीखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेविएशन कितना होगा और किस तरह का होगा। तो इसको पहले थोड़ा सा नोट कीजिए, तो अलग अलग कंडीशन में किसी प्रिज्म से डेविएशन कितना होगा, कैसे रिलेट करेंगे, क्वेश्चन किस तरह का पूछा जाता है, अलग अलग तरीके से रिलेट करेंगे, पहले सो नोट कर लीजिए। तो हम लोग बात कर रहे हैं प्रिज्म, प्रिज्म मतलब एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल जिस फेस पे लाइट इंसिडेंट कर रहा है, जिस फेस से लाइट बाहर निकल रहा है वो प्लेन है लेकिन कुछ एंगल पे, जिसमें देख रहे थे कि लाइट डेविएट करेगा, कुछ एंगल से डिविएट करेगा, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग रिलेट करना चाहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन किसी प्रिज्म से अलग अलग कंडीशन में जो हमसे पूछा जाता है। जहां पर सबसे पहला कंडीशन में जो रिलेट करना चाह रहे हैं एंगल ऑफ डेविएशन एक ऐसे प्रिज्म का जिसका एंगल कम है। एंगल कम का मतलब है कि जनरली जो एंगल ऑफ प्रिज्म अगर छोटा कंसीडर कर रहे हैं वो छोटा जनरली 5 डिग्री से कम काम करते हैं। अब अगर पढ़ 5 डिग्री से कम पढ़ रहे हैं, अगर 6 डिग्री पूछ जाए तो 7 डिग्री पूछ जाए तो जो 5 डिग्री के लिए है 6 और 7 में अप्लाई कर सकते। हाँ, अगर 15-20 डिग्री आ जाए तो वहां पे अप्लाई नहीं होगा। एक ऐसे प्रिज्म से एंगल ऑफ डेविएशन का बात करना चाह रहे हैं जिसका एंगल कम है, जनरली 5 डिग्री से कम में कैलकुलेशन का बात करता है। पढ़े हैं किसी प्रिज्म से लाइट तो कुछ एंगल पे इस तरह से आता था, एंगल हमेशा नॉर्मल से कंसीडर करते थे, इस प्रिज्म में लाइट उधर जाने के बजाय मीडियम चेंज होने के कारण लाइट इस तरह से कुछ एंगल से डेविएट करता है, जिसमें इस वाले एंगल को आई वन, इस वाले को आर वन, इस वाले को आर टू, इस वाले को किससे लिखते थे,
आई टू से लिखते थे। जो एंगल है वो किस तरह से कौन से रिलेशन से चेंज करता था, तो वो असमेस हुआ एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने में, जिसमें एक ऐसे प्रिज्म का बात कर रहे हैं जहां पे एंगल ऑफ प्रिज्म कम है, पढ़े हैं कि एस आर वन प्लस आर टू बराबर कितना था। तब प्रिज्म चाहे कैसा भी हो, अगर लाइट अगर नॉर्मल से नीचे अगर इस तरह से लाइट आ जा रहा है, अगर ये लाइट ऊपर जाएगा तो वहां पे बात कुछ और होता है, वो हम लोग एक आख एग्जांपल से सोल्व करने का कोशिश करेंगे। जनरली नॉर्मल से लाइट नीचे की ओर जब आएगा तो लाइट बेस के तरफ बेंड करता है, इस आर वन प्लस आर टू का सम हमेशा उस प्रिज्म के एंगल के बराबर होता है। और अगर इस दोनों एंगल का सम अगर एंगल ऑफ प्रिज्म है और अगर एंगल ऑफ प्रिज्म अगर स्मॉल है, तो अगर इस दोनों का सम अगर स्मॉल है तो आर वन और आर टू भी स्मॉल होगा, और ये जो आई वन जो R1 R2 है वो किस पे डिपेंड करेगा, I1 I2 असमेत स्वास है एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने में। और अगर R1 R2 अगर स्मॉल है तो I1 और I2 भी स्मॉल होगा, तो किसी एंगल पे इस पे डिपेंड करेगा। अगर R1 R2 स्मॉल का बात हो रहा है तो I1 I2 भी स्मॉल होगा। फ्रॉम असमेत स्वास लाइट एक मीडियम से जो दूसरे मीडियम जा रहा है, अगर एट फेस अगर इस प्रिज्म को एबीसी का नाम दे, तो अगर लाइट अगर इस एबी वाले फेस पे आ रहा है तो कुछ नहीं बोला जाए तो एयर से मान के चले वन इंटू विच इज साइन आई वन, अगर इस मीडियम में जा रहा है तो म्यू इंटू साइन आर वन, और अगर एंगल छोटा है तो पढ़े हैं कि अगर एंगल छोटा होता तो थीटा साइन थीटा को थीटा लिख सकते, अगर ये एंगल छोटा है तो साइन थीटा को हटा के थीटा लिखने में यहां से I1 बराबर म्यू इंटू आर वन लिख सकते। लेकिन तब जब प्रिज्म का एंगल छोटा है जनरली पांच डिग्री से कम, हाँ जरूरत पड़े तो छह सात में भी यूज कर लेंगे, बहुत ज्यादा रहेगा तो नहीं यूज कर पाएंगे। फ्रॉम असनेल्स लॉ एट फेस एबी पे यूज किए थे, एट फेस एबी पे यूज किए थे, अगर एट फेस एसी पे यूज करे तो जहां से लाइट बाहर ही मर्ज कर रहा है, एट फेस एसी पे लाइट इस मीडियम में म्यू इंटू साइन आर टू, बाहर निकल रहा है इस एयर में वन इंटू साइन आई टू, जहां से हटा के लिखिएगा तो साइन थीटा को थीटा लिखने में म्यू इंटू आर टू बराबर आई टू। हमको एंगल कितना चेंज किया नहीं पूछा जा रहा है, हमसे यह पूछा जा रहा था कि एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा। रिलेट किए थे कि जो एंगल ऑफ डेविएशन था फॉर अ प्रिज्म, अगर लाइट इस तरह से जा रहा है तो एंगल ऑफ डेविएशन थोड़ा देर पहले प्रूफ भी किए थे आई वन प्लस आई टू माइनस ए, जहां पे इस आई वन को हटा के आप लिख सकते हैं म्यू आर वन, इस I2 को हटा के म्यू आर टू माइनस, जहां से दोनों से म्यू बाहर निकलेगा आ जाएगा आर वन प्लस आर टू माइनस, और उस आर वन प्लस आर टू को हटा के क्या लिख सकते हैं, आर वन प्लस आर टू बराबर ए, वहां से हटा के लिखिएगा तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना आ जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं कि जो एंगल ऑफ डेविएशन है, ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट। लाइट कितने एंगल से आ रहा है देख रहे हैं कि उस स्मॉल एंगल वाले प्रिज्म में जो एंगल ऑफ डेविएशन है म्यू माइनस वन इंटू ए, उस प्रिज्म के एंगल पे डिपेंड कर रहा है, और म्यू वेयर म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसका, इस प्रिज्म का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब रिलेटिव में, रिलेटिव का मतलब प्रिज्म किसके रेस्पेक्ट में, तो इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, और सराउंडिंग कुछ मीडियम अगर नहीं कुछ बोला गया तो एयर मान के चलेंगे, हाँ कुछ बोलेगा तो कुछ और। लाइट कितने एंगल से आ रहा है, कितने एंगल से इमर्ज कर रहा है, अंदर कितना एंगल बना रहा है, अगर प्रिज्म स्मॉल एंगल का है तो एंगल ऑफ डेविएशन सीधा सीधा बैठा सकता है,
म्यू माइनस वन इंटू ए। रिलेट करना चाह रहे हैं एंगल ऑफ डेविएशन अलग अलग कंडीशन, जहां पे पहले कंडीशन में बात की एक ऐसे प्रिज्म का जहां पे एंगल इस प्रिज्म का बहुत कम है, एक अगर और कंडीशन में बात करें विच इज प्रिज्म से लाइट पास करने में इस बार रिलेट करना चाह रहा है कंडीशन फॉर नो इमर्जेंस। रिलेट करना चाह रहे हैं एक ऐसा प्रिज्म बनाना चाह रहा है कि लाइट आए लेकिन उस प्रिज्म से बाहर ही ना निकले। अभी थोड़ा पहले बात कर रहे थे कि किसी प्रिज्म पे जब लाइट आ रहा था तो कितने एंगल से आ रहा था, इसको आई वन से देख रहा था, इस मीडियम में तो आर वन बना रहा था, इस मीडियम में तो यहां पे आर टू इसको बोल रहे थे आई टू। चाह रहे कि एक ऐसा प्रिज्म बनाए कि लाइट बाहर ही ना निकले। बाहर नहीं निकले मतलब लाइट अंदर ही रह जाए, अंदर नहीं, हम चाह रहे किसी भी कंडीशन में लाइट बाहर ना निकले, अंदर ही रह जाए। लाइट के सबसे ज्यादा बाहर निकलने का चांस कब होगा, तो जितना ज्यादा एंगल होगा बाहर निकलने का चांस नहीं होगा। सबसे ज्यादा बाहर निकलने का चांस कब है, ये तो नहीं निकलने का था, सबसे ज्यादा बाहर निकलने का कब है, जब ये आर टू बहुत छोटा हो। लाइट जितना नॉर्मल के तरफ आने का कोशिश करेगा लाइट के निकलने का चांस उतना ज्यादा होगा। नॉर्मल के तरफ आने का मतलब आर टू छोटा होना चाहिए, और अगर आर टू छोटा है तो आर वन प्लस आर टू बराबर उस प्रिज्म के एंगल में, अगर आर टू छोटा है तो आर वन बड़ा होना चाहिए। चाह रहे हैं कि लाइट एक ऐसा प्रिज्म बनाना चाह रहे हैं कि लाइट बाहर ही ना निकले। बाहर निकलने का सबसे ज्यादा चांस है जब आर टू कम, लाइट नॉर्मली निकलेगा निकल जाएगा, आर टू कम है तो आर वन ज्यादा होगा क्योंकि दोनों का सम प्रिज्म का एंगल जो फिक्स है फॉर अ गिवन प्रिज्म। लाइट के सबसे ज्यादा बाहर निकलने का चांस तब है जब आर टू कम है, आर टू कम का तब होगा जब आर वन ज्यादा होगा, आर वन ज्यादा कम होगा जब आई वन ज्यादा। मतलब लाइट के सबसे ज्यादा बाहर निकलने का चांस तब है जब आई वन ज्यादा है, और जिस समय सबसे ज्यादा बाहर निकलने का चांस है अगर ऐसा प्रिज्म बनाए कि सबसे ज्यादा बाहर निकलने के चांस में अगर बाहर नहीं निकल रहा है, सबसे ज्यादा बाहर निकलने के चांस में अगर बाहर निकलने ना दे तो फिर किसी भी कंडीशन में बाहर नहीं निकलेगा। सबसे ज्यादा बाहर निकलने का चांस कब था, जब आई वन सबसे ज्यादा था, नीचे बोल सकता है। चाह रहे एक ऐसा प्रिज्म बनाए कि लाइट बाहर ही ना निकले। द लाइट विल नॉट इमर्ज फ्रॉम अ प्रिज्म फॉर एनी एंगल ऑफ इंसिडेंस, लाइट चाहे जितने भी एंगल से आ जाए बाहर नहीं निकलेगा। कब, जब सबसे ज्यादा बाहर निकलने के चांस में अगर वो ना निकले तो फिर तो किसी और कंडीशन में निकलेगा ही नहीं। जिसमें निकलने का चांस सबसे ज्यादा है, अगर हम एक ऐसा प्रिज्म बनाए कि उस समय बाहर नहीं निकल रहा है तब तो फिर किसी और चांस में निकलेगा ही बाहर नहीं। सबसे ज्यादा बाहर निकलने का चांस कब था, जब आर टू छोटा आर वन बड़ा और आई वन बड़ा, क्योंकि ये दोनों जितना ज्यादा ये जितना ज्यादा होगा ये जितना ज्यादा होगा। मतलब सबसे ज्यादा लाइट बाहर निकलने का चांस आई वन मैक्सिमम में था, और आई वन का मैक्सिमम है 90 डिग्री, और अगर इस कंडीशन में लाइट बाहर नहीं निकला तो किसी भी कंडीशन में बाहर लाइट नहीं निकलेगा, वही हम चाह रहे थे। एक ऐसा प्रिज्म बनाना चाह रहे हैं कि लाइट बाहर ही ना निकले, विच इज इस प्रिज्म मान ले रहे हैं एबीसी, देख रहे हैं कि लाइट सबसे ज्यादा एंगल सबसे ज्यादा तब होगा जब इस आई वन का वैल्यू 90 डिग्री, अगर इस समय बाहर नहीं निकला तो फिर कभी लाइट बाहर नहीं निकलेगा। अगर लाइट 90 डिग्री से आए तो इसके अंदर एट फेस एबी फॉर आई वन बराबर 90 होने का मतलब आर वन बराबर क्रिटिकल एंगल होगा। लाइट जब डेंसर मीडियम से रेड में जाता तो 90 से, या उल्टा
जब रेयर अर्थ 90 से जाएगा तो इस R1 का वैल्यू क्रिटिकल एंगल के बराबर। आप मन करे तो असेल्स लॉ से इक्वेशन लिख सकते हैं, इसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। चार लाइट बाहर ना निकले, बाहर तब नहीं निकलेगा जब यहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब होगा एंड एट फेस एसी फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उस R2 का वैल्यू क्या होना चाहिए, तो क्रिटिकल से बड़ा, तो लाइट बाहर नहीं निकलेगा, अंदर ही रह जाएगा, प्रिज्म के अंदर ही रहेगा। इस दोनों इक्वेशन को अगर जोड़िएगा फ्रॉम 1 एंड 2, तो इस R1 प्लस R2 को अगर लिखना चाहे तो R1 थीटा सी के बराबर, R2 थीटा सी से बड़ा, तो दोनों को जोड़िएगा तो उतना से बड़ा हो जाएगा। इस R1 प्लस R2 जिसको हम लोग प्रिज्म का एंगल बोल रहे थे, अगर इस थीटा सी अगर वैल्यू लिखा जाए तो आ जाएगा a/2, अगर साइन थीटा सी लिखा जाए तो आ जाएगा साइन a/2। जहां पर साइन थीटा सी का वैल्यू कितना था, तो साइन थीटा सी क्रिटिकल एंगल पड़े थे, जिसको उल्टा करके लिखे तो म्यू बराबर आ जाएगा कोसेक a/2, जो कि एक कंडीशन आप रिलेट कर सकते हैं कि अगर किसी प्रिज्म ग्रेटर देन था, म्यू यहां पे ग्रेटर देन में आ जाएगा, थोड़ा सा प्रॉपर इसको हम ऐसा था, ए इज ग्रेटर देन 2 थीटा से, ए इज ग्रेटर देन 2 थीटा से में a/2 अगर बात कीजिएगा तो a/2 बड़ा हो जाएगा, ये a/2 के साथ इनइक्वालिटी बढ़ा। लेकिन जब उल्टा कीजिएगा, अभी उल्टा नहीं किए हैं, ये ऐसा रहेगा, लेकिन जब उल्टा कीजिएगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, म्यू के साथ में जाएगा, अभी ये बड़ा था अब ये बड़ा है, उल्टा कीजिएगा इनइक्वालिटी कि अगर इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर इतने से अगर ज्यादा हो या प्रिज्म का एंगल अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा तो लाइट चाहे जितना एंगल से आना है आ जाए, जितना एंगल से आना है आ जाए, इस प्रिज्म से बाहर निकल ही नहीं पाएगा। इसी में कभी कभी उल्टा पूछ लेगा कि प्रिज्म कैसा बना है कि लाइट कम से कम बाहर जस्ट निकले, तो ठीक उल्टा कंडीशन यह है कि लाइट चाहे जितना एंगल से बाहर ही नहीं निकलेगा। अगर आप चाहते हैं लाइट बाहर निकलना तो ग्रेटर देन के बजाय उल्टा लेस देन सिंबल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा कम यूज करें। तो जैसा क्वेश्चन पूछा जाए उस हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, रिलेट करना पड़ेगा, फॉर्मूला ज्यादा कुछ नहीं है, वही स्नेल्स लॉ, हाँ थोड़ा सा एक ही था, एंगल ऑफ डेविएशन आप रिलेट कर रहे हैं। चलिए इसको थोड़ा सा नोट कीजिए, कुछ और कंडीशन हम लोग बात करते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए। तो हम लोग रिलेट कर रहे हैं किसी प्रिज्म से लाइट पास करने में जो डेविएशन था वो अलग अलग कंडीशन में कैसे सोचें। इसी में एक और कंडीशन ये हमेशा पूछा जाता है, ये हमेशा इससे क्वेश्चन रहता है, कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। देख रहे थे कि किसी प्रिज्म से लाइट पास करने में कितना एंगल से डेविएट किया, डेविएशन इस बात पर डिपेंड कर रहा था कि लाइट कितने एंगल से इन कर रहा है, साथ साथ इस बात पे भी डिपेंड कर रहा था कि कितने एंगल से बाहर निकल रहा है। खाली इस बात पे नहीं डिपेंड कर रहा था कि कितना एंगल से आ रहा है, इस बात पे भी डिपेंड कर रहा था कि कितने एंगल से बाहर निकल रहा है। मतलब फॉर अ गिवन एंगल ऑफ प्रिज्म, अगर कोई बोले फॉर अ गिवन प्रिज्म, जब तक प्रिज्म सेम है तो एंगल सेम होगा। अगर किसी प्रिज्म के लिए अगर बोले कि अगर आई बढ़ा रहे हैं तो डेविएशन बढ़ेगा, कोई जरूरी नहीं, क्योंकि जो एंगल ऑफ डेविएशन था I1 पे भी डिपेंड करता था और I2 पे भी डिपेंड करता था। अगर खाली इसी फैक्टर पे डिपेंड करता है तो हम बोलते हैं कि ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, लेकिन और भी फैक्टर पे डिपेंड करने के कारण आप नहीं बोल सकते हैं कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाइएगा तो डेविएशन बढ़ेगा। एंड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल कीजिएगा तो जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाइएगा
डेविएशन बढ़ने के बजाय डेविएशन पहले घटता है। लाइट को पहले जब नॉर्मली लेके आइएगा तो यहां पे कोई डेविएशन नहीं होगा, जो भी डेविएशन होगा यहां पे डेविएशन होगा। लेकिन यहां पे एंगल कम है तो यहां पे भी एंगल कम, यहां पे एंगल कम है तो यहां पे एंगल कम होगा, लेकिन यहां पे ज्यादा एंगल से लाइट आएगा, यहां जब ज्यादा एंगल से आएगा तो आई टू ज्यादा हो जाएगा। मतलब आई कम है तो आई टू ज्यादा हो जाएगा, डेविएशन कम होने के बजाय डेविएशन ज्यादा होता है। एंगल बढ़ाइएगा तो डेविएशन बढ़ेगा, कोई जरूरी नहीं है क्योंकि आई टू पर भी डिपेंड कर रहा है। एंड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, जब आप लाइट कम एंगल से इंसिडेंस, आई वन था एंगल ऑफ इंसिडेंस, जब लाइट कम एंगल से आ रहा है तो ऐसा नहीं कि डिविजन कम, शुरू में थोड़ा ज्यादा डिविजन होता है, और जब एंगल बढ़ाइएगा तो डिविजन बढ़ने के बजाय डिविजन पहले घटता है। एंड फ्रॉम एक्सपेरिमेंट कि अगर एंगल बढ़ाइएगा तो डिविजन बढ़ने के बजाय घटता है, और घटते घटते डेविएशन सबसे मिनिमम होता है। एक लिमिट के बाद अगर और एंगल बढ़ाइएगा तो डेविएशन और घटने के बजाय डेविएशन बढ़ेगा। यही हमसे कंडीशन रिलेट करना चाह रहे हैं कि किसी प्रिज्म से लाइट पास करने में लाइट मिनिमम डेविएट कब करेगा और करेगा तो कितना करेगा, मिनिमम डेविएशन का कंडीशन रिलेट करना चाह रहे। फ्रॉम एक्सपेरिमेंट विथ इंक्रीज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई वन, आई वन बढ़ाएंगे द एंगल ऑफ डेविएशन, फर्स्ट एंगल बढ़ाएंगे डेविएशन बढ़ने के बजाय डेविएशन पहले घटता है क्योंकि डेविएशन आई टू पे भी डिपेंड करेगा। एंगल ऑफ डेविएशन फर्स्ट डिक्रीजेज एंड रीचेस टू अ मिनिमम वैल्यू फॉर आई वन बराबर आई टू। जिस समय लाइट जो आ रहा होता है अगर उतने ही एंगल से अगर बाहर निकल रहा होता है उस समय उस प्रिज्म से लाइट मिनिमम डेविएशन में पास करता है। अगर उससे कम एंगल से आएगा तब भी डेविएशन ज्यादा होगा, अगर इससे ज्यादा एंगल से आएगा तब भी डेविएशन ज्यादा होगा। लाइट मिनिमम डेविएशन में पास करेगा कब, जब लाइट जितने एंगल से आ रहा है उतने ही एंगल से बाहर भी निकल रहा है, जिसको बोल सकते हैं कंडीशन कि किसी प्रिज्म से अगर लाइट मिनिमम डेविएशन में पास करना है तो आई वन बराबर आई टू। दैट इज आप बोल सकते हैं कि फॉर लाइट टू पास इन मिनिमम डेविएशन थ्रू अ प्रिज्म, किसी प्रिज्म से लाइट पास करने में लाइट मिनिमम डेविएशन में पास करेगा तब इस प्रिज्म के ऊपर लाइट जो आना इधर था इधर जाने के बजाय पहले इधर अब फिर इधर जा रहा था, इस वाले एंगल को I1 लिख रहे थे, इस वाले को R1, इस वाले को R2 लिख रहे थे, इस वाले को I2। लाइट प्रिज्म से पास करने में मिनिमम डिविजन पास करेगा जब I1 बराबर I2, I1 बराबर I2 था, ऐसा तब होगा जब R1 बराबर भी R2 होगा, क्योंकि फ्रॉम अ स्नेल्स लॉ इस एंगल पे ये एंगल डिपेंड करता है और ये एंगल पे ये एंगल डिपेंड करता है। अगर I1 I2 सेम है तो I1 पे R1 डिपेंड कर रहा था, I2 पे R2 डिपेंड कर रहा था, I1 I2 सेम है तो R1 R2 भी सेम होगा, और अगर R1 R2 सेम है तो कितना होगा, तो पढ़ा है किसी प्रिज्म में R1 प्लस R2 बराबर A था, अगर दोनों का सम अगर A है, अगर दोनों बराबर है तो आधा आधा होगा, A by 2 A by 2। किसी प्रिज्म से लाइट पास करने में लाइट मिनिमम डेविएशन में पास करेगा जब I1 बराबर I2, R1 बराबर R2 जिसका वैल्यू A by 2 एंड लाइट पासेस पैरेलल टू बेस ऑफ अगर ये प्रिज्म अगर इक्विलेटरल है या आइसोसेलस है तो इस जो लाइट पास करेगा वो बेस के पैरेलल, आप चाहे तो प्रूफ करके दिखा सकते हैं
क्योंकि आर1 आर2 आपको पता है, आर1 आर2 ए बाई टू है, अगर ये पता है तो ये ए बाई टू, तो ये 90 माइनस ए बाई टू लाइट इस बेस के पैरेलल पास करेगा, लेकिन वो तब जब वो प्रिज्म सिमेट्रिकल हो, क्योंकि ये दोनों सिमेट्रिकल होगा तभी ये बेस के पैरेलल हो पाएगा। तो बहुत बार तो ऑब्जेक्टिव में इस तरह से क्वेश्चन भी पूछता है कि किसी प्रिज्म में लाइट मिनिमम डिस्टेंस में पास कर रहा है, कब? I1 बराबर I2, R1 बराबर R2, जिसका वैल्यू A by 2 के बराबर, और अगर ऐसा है तो लाइट बेस के पैरेलल पास करेगा, लेकिन तब जब ये सीधा हो, तभी तो ये सीधा उसके पैरेलल होगा। वो तब पॉसिबल है जब वो प्रिज्म इक्विलेटरल हो या आइसोसेलस। ये तो हुआ कंडीशन कि लाइट मिनिमम डेविएशन में किस कंडीशन में पास करेगा। अब क्वेश्चन उठता है उसका वैल्यू कितना। अगर उसका वैल्यू निकालना है तो आप इक्वेशन लिख सकते हैं फ्रॉम स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ में लाइट इस एक मीडियम से दूसरे मीडियम पास कर रहा था, या इसको रहने दीजिए थोड़ा सा, बाद में इसका यूज कर लेंगे। हमको मिनिमम डेविएशन पास रिलेट करना है, तो विथ मिनिमम डेविएशन कितना होगा? तो पढ़े हैं कि जो डेविएशन था I1 प्लस I2 माइनस A में, अगर डेविएशन मिनिमम है तो इसका वैल्यू 2I1 माइनस, अब चाहे तो यहां से भी रीड कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि लाइट कितने एंगल से आ रहा है, अगर मिनिमम डेविएशन पास कर रहा है, आप यहां से रीड कर सकते हैं। हाँ, जरूरत पड़े तो एंगल कितना चेंज कर रहा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, उससे रिलेटेड अगर इक्वेशन लिखना है तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ एट फेस ए बी अगर लिखना चाहे तो लाइट एयर से आ रहा था उस मटेरियल में, म्यू इनटू साइन आर, इधर से भी लिखिएगा तो वही आएगा I1 बराबर I2 R1 बराबर R2। इसको अगर थोड़ा सा अरेंज कीजिएगा तो म्यू बराबर लिख सकते हैं साइन I1 बटा साइन R1, जहां पर साइन R1 का वैल्यू साइन ए बाई टू था R1 का वैल्यू, और साइन I1 में यहां से अरेंज कीजिएगा तो ए प्लस मिनिमम डेविएशन डिवाइड बाई टू। इसको बोलते हैं कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन फॉर अ प्रिज्म। अगर किसी प्रिज्म से लाइट अगर मिनिमम डेविएशन में पास कर रहा है तो आप चाहे तो ये सीधा सीधा कंडीशन बैठा सकते हैं। प्लस टू में इसको प्रूफ करने के लिए आता है कि अगर लाइट मिनिमम डेविएशन पास कर रहा है तो प्रूफ करके दिखाइए म्यू बराबर साइन ए प्लस मिनिमम डेविएशन बाई टू। क्वेश्चन बनाने में इतना जरूरत नहीं है, अगर ये कंडीशन पता है और थोड़ा सा अगर स्नेल्स लॉ यूज करने आता है तो आप वहां पर रिलेट कर सकते। चलिए इसको थोड़ा सा नोट कीजिए, एक आखिर एग्जाम्पल इस पे करते हैं तो थोड़ा और क्लियर होगा। इसको पहले नोट कर लीजिए, पहले तो हम लोग अलग अलग कंडीशन में सीख रहे हैं कि किसी प्रिज्म से लाइट पास करने में डेविएशन कितना होगा, जिसमें सबसे लास्ट में हम लोग बात किए कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन। चलिए एक छोटा सा पहले न्यूमेरिकल बात करते हैं। बोल रहा है इस तरह से कोई प्रिज्म है ट्रेपेजियम शेप का, लाइट कुछ एंगल पे आ रहा है, इसका कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, कुछ होगा मटेरियल पूछ रहा है फॉर अ प्रिज्म फाइंड एंगल ऑफ इंसिडेंस सच दैट लाइट पासेस बोल रहे। अगर इस तरह का एक प्रिज्म है, पूछा जा रहा है कि अगर इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर रूट टू, तो पूछ रहा है कि कितने एंगल से लाइट आए कि इस प्रिज्म से लाइट मिनिमम डेविएशन में पास कर। पहले तो क्वेश्चन उठता है क्या ये प्रिज्म है, तो हां जिस फेस से लाइट इन करे और जिस फेस से लाइट बाहर निकले, अगर वो
पैरेलल नहीं, अगर कुछ नॉन पैरेलल कुछ एंगल पे है तो उसको हम प्रिज्म बोल सकते हैं। यहां पे देख रहे थे कि प्रिज्म में कुछ भी निकाल रहे थे, सबसे पहले हमको एंगल ऑफ प्रिज्म चाहिए था, तो पहले एंगल ऑफ प्रिज्म निकालने का कोशिश करते हैं। इस तरह के प्रिज्म में जिस फेस पे लाइट इन करेगा, जहां से फेस बाहर लाइट निकल रहा है, अगर ये पैरेलल नहीं है तो जितने एंगल पे होता है इसी को हम एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। जहां पे रिलेट कीजिएगा तो बोल सकते हैं कि यहां से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये कुछ एंगल होगा, और जो एंगल इस साइड होगा अगर सिमिलर है तो उधर भी उतना ही एंगल बनाएगा, और ये जो एंगल ऑफ प्रिज्म का बात उठ रहा है अगर एक साइड थीटा था तो जो टोटल एंगल ऑफ प्रिज्म होगा ए बराबर कितना होगा, विच इज टू थीटा। मतलब अगर ये एक साइड अगर थीटा निकाल लें तो प्रिज्म का एंगल निकल जाएगा। फ्रॉम फिगर अगर रिलेट कीजिएगा तो अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, अगर टोटल 10 है तो इधर 2.5 इधर 2.5। फ्रॉम फिगर साइन थीटा एंगल के सामने परपेंडिकुलर विच इज 2.5, ये 90 के सामने वाला हाइपोटेनस 5 होने में थीटा का वैल्यू यहां से सॉल्व कीजिएगा 30 डिग्री आएगा, देन एंगल ऑफ प्रिज्म जो आ रहा था विच इज 2 थीटा दैट इक्वल टू कितना। अगर प्रिज्म का एंगल दे देता तो हमको इतना झंझट नहीं होता, नहीं दिया है तो थोड़ा सा रिलेट करना पड़ता। हमसे पूछ रहा है कि लाइट अगर मिनिमम डिवीजन में पास कर रहा है तो इस आई का वैल्यू कितना होगा, इस आई वन का वैल्यू कितना होगा, जिसको हम जरा आई वन से रिलेट करते हैं। एज इन मिनिमम डिवीजन पढ़े हैं कि आर वन बराबर आर टू जो कि ए बाई टू के बराबर, क्योंकि दोनों का सम ए के बराबर, अगर दोनों बराबर है तो ए बाई टू, और ए का वैल्यू 60 होने में इस प्रिज्म के अंदर आर वन कितना बन रहा निकल गया, अगर आई वन पूछा है देन फ्रॉम स्नेल्स लॉ आप लिख सकते हैं कि अगर लाइट एयर से आ रहा था 1 into sin i इस मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रूट टू, अगर एंगल 30 डिग्री बना रहा है साइन 30 1/√2 में ये 1/√2 आएगा, मतलब आई वन बराबर अगर पूछा जाए, कुछ नहीं कंडीशन अगर याद है तो एक दो तो इक्वेशन लिखना होता है, स्नेल्स लॉ सिंपली लिख सकते हैं। लाइट अगर 45 डिग्री पे आए तो इस प्रिज्म से मिनिमम डिवीजन में पास करेगा, विथ अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द मिनिमम डिवीजन, तो डिवीजन था किसी भी प्रिज्म में इतना, मिनिमम डिवीजन में दोनों बराबर होने में 2i1 - a दैट इज 2i1 मतलब 45 डिग्री, एंगल ऑफ प्रिज्म आ रहा था 60 डिग्री, अगर मिनिमम डिवीजन पूछता तो 30 डिग्री बैठा सकते। तो जैसा पूछा जाए तो कंडीशन अगर ध्यान में है तो आसानी से आप रिलेट कर सकते हैं, ज्यादा तो फॉर्मूला लिखना नहीं। चलिए एक और एग्जांपल यहां पे देखते हैं, ये आईआईटी में पूछा हुआ है। अभी तक याद कीजिए किसी प्रिज्म में लाइट जो मानते थे नॉर्मल से हमेशा नीचे मानते थे, लाइट बेस के तरफ बेंड करता, इसमें थोड़ा सा उल्टा पूछ रहा है। किसी राइट एंगल प्रिज्म में, यहां पर एंगल 90 डिग्री, लाइट कुछ एंगल से आ रहा है, नॉर्मल से एंगल नीचे दिखाने के बजाय ऊपर से दिखा रहा है, रेरर से डेंसर में पास करने में पता है कि अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से डेविएट करेगा, किधर डेविएट करेगा, नॉर्मल के तरफ। जनरली था कि लाइट जब नीचे आ जाता था तब बेस के तरफ बेंड करता था, ये और ऊपर ही बेंड करेगा। लाइट इस फेस पे कुछ एंगल बनाएगा, इस फेस पे आएगा तो भी कुछ एंगल बनाएगा, यहां से लाइट बाहर निकलने का कोशिश करेगा। अगर फ्रॉम फिगर अगर रिलेट करें तो आप देख सकते हैं यहां पे एक
क्वाड्रिलेटरल टाइप का बन, ट्राइंगल टाइप का बन रहा है, जिसमें अगर इसको अगर लिखे तो वो एंगल ऑफ प्रिज्म था, अगर इसको R1 से लिख रहे हैं तो ये टोटल हो जाएगा 90 प्लस R1, ये 90 प्लस R1। अगर ये नॉर्मल था, अगर ये R2 तो इसको लिख सकते हैं 90 माइनस R2 बराबर ट्रेंगल में 180 डिग्री, ये 180 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से अगर इसको इधर अरेंज कीजिएगा तो R2 माइनस R1 बराबर है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। जब लाइट नीचे से आता था तो R1 प्लस R2 प्लस R2 बराबर A होता था, लेकिन इस केस में देख रहे हैं A बराबर R1 प्लस R2 नहीं, A बराबर R2 माइनस R1, इस तरह से जनरली यही होता है, लेकिन ये तब होता है जब लाइट नॉर्मल से नीचे आता और लाइट नॉर्थ बेस की तरफ बेंड करता है, लेकिन कभी कभी उस तरह भी पूछ सकता है जैसे पूछा है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कितना होगा ना कि इतना होगा, इतना तब था जब लाइट नीचे ऐसा आता नॉर्मल की तरफ बेंड करता, तो ये वाला कंडीशन यूज करता। अब देखते ही तो है क्या, अब पूछा गया, बोल रहा है इन अ राइट एंगल प्रिज्म, इस प्रिज्म का एंगल हमको निकालना है, तब निकालना है सच दैट लाइट के टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट फेस पी आर, ये एक्चुअली पी क्यू आर था प्रिज्म, बोल रहा है ये प्रिज्म का एंगल, बोल रहा है कि लाइट इस तरह से आ रहा है, पूछ रहा है कि प्रिज्म का एंगल कितना हो कि जब लाइट 45 डिग्री से मैक्सिमम आए तो ऐसा लाइट बाहर निकलने के बजाय इसके अंदर आ जाए, सच दैट लाइट गेट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट फेस पी आर फॉर मिनिमम 45 डिग्री। बोलता मिनिमम में अगर लाइट 45 डिग्री पे आ रहा है तो लाइट यहां से बाहर निकलने के बजाय अंदर, और ज्यादा से आएगा तो और अंदर ही रह जाएगा, बोल रहा 45 डिग्री पर लाइट अगर मिनिमम आ रहा है तो लाइट बाहर निकलने के बजाय इसी के अंदर रह रहा है, मतलब इस फेस पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। गिवन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट फेस पी आर, फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट फेस पी आर का मतलब हो जाएगा कि उस फेस पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो क्रिटिकल के बराबर। क्रिटिकल एंगल का मतलब कितना होता है, साइन इनवर्स 1/μ। एक्चुअली मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ था, जो देगा उसको सोचेंगे, दिया हुआ था। अगर यहां से अगर म्यू का वैल्यू √2 है तो ये 45 डिग्री आ जाएगा, ये म्यू एक बार थोड़ा देख लेते हैं कितना था, म्यू √2 ही था, म्यू का वैल्यू √2 का मतलब इस क्रिटिकल एंगल का 45 डिग्री, और क्रिटिकल एंगल निकल गया तो आर पे निकल गया, लेकिन आपसे आर को नहीं पूछा, बोल रहा है कि अगर लाइट 45 डिग्री पे मिनिमम आए तो प्रिज्म का एंगल कितना हो कि इस फेस से लाइट बाहर निकलने के बजाय इस फेस पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन निकाल लिए, साथ साथ ये 45 डिग्री दिया हुआ था। फ्रॉम असनेल्स लॉ एक और कंडीशन, एक और इक्वेशन लिख सकते हैं, एट फेस, कौन सा फेस, ये पीक्यू वाला फेस, इस फेस पे लाइट एयर से आ रहा है, उस अल्फा का मिनिमम वैल्यू में अगर 45 डिग्री है, अब बोल रहा है कि इस मीडियम में अंदर म्यू का वैल्यू √2 कुछ एंगल बना रहा हूं, यहां से साइन 45 1/√2 होता है इज इक्वल टू √2 sin R1, यहां से अगर लिखेगा तो साइन आर वन में √2 नीचे आएगा 1/2 R1 = 30 डिग्री, ये एंगल दिया था, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया था, यहां से निकलेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दिया तो मटेरियल देते ये निकलेगा, लेकिन हमसे ना R1 पूछा ना R2 पूछा, हमसे A पूछा है जो कि पहले ही रिलेट किए थे, ये उल्टा कंडीशन बन रहा है, हेंस
जो एंगल ऑफ प्रिज्म जो हमसे ए पूछा था, नॉर्मली हम लोग आर वन प्लस आर टू सोचते थे होता अगर लाइट नीचे से इस तरह जाता तो ए बराबर आर वन प्लस आर टू, लेकिन यहां पे उल्टा हो रहा है, ए बराबर आर टू माइनस आर वन में इस आर टू का वैल्यू 45 डिग्री दिया था, आर वन का वैल्यू 30 डिग्री में, अगर इस प्रिज्म का एंगल का बात करें तो एंगल ऑफ प्रिज्म विच इज 15 डिग्री। तो जैसा पूछा जाए उस हिसाब से आप रिलेट कर सकते हैं, जितना पूछा जाए उतना सोच सकते हैं। चलो इसको नोट करो, गलत था। तो हम लोग रिलेट कर रहे हैं किसी प्रिज्म से अलग अलग कंडीशन में डेविएशन कितना होगा, किस तरह से सोचेंगे। इसी में एक कंडीशन और है, इस पे पूछा गया जाता है क्वेश्चन, इनफैक्ट जेई मेन में पूछा हुआ है कि किसी प्रिज्म पे लाइट आए, इस प्रिज्म का कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो। कंडीशन कभी कभी रिलेट करना होता है कि लाइट कौन से कंडीशन में इस प्रिज्म पे इंसिडेंस करे, कि यहां पे कुछ एंगल बनाएगा और इस प्रिज्म से बाहर निकलने में जस्ट फेस के पैरेलली बाहर निकले, विच जस्ट बाहर निकले, ग्रेजिंग इमर्जेंस जस्ट उस फेस के बाहर निकले। लाइट इस प्रिज्म से जस्ट बाहर निकलने का मतलब ये जो I2 था, इस I2 का वैल्यू कितना था? फॉर ग्रेजिंग इमर्जेंस I2 का वैल्यू 90 डिग्री, I2 90 तब होगा जब R2 क्रिटिकल एंगल डेंसर से रेडर जाने में लाइट 90 डिग्री फेस के पैरेलल, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल के बराबर। अगर R2 पता है तो R1 भी पता है, देन R1 बराबर पढ़े हैं कि अगर लाइट नॉर्मल से नीचे से आ रहा है तो R1 प्लस R2 बराबर m है, R1 बराबर a माइनस थीटा c, जिसको अगर लिख a माइनस R1, a माइनस R2 जिसको हटा के लिखे तो a माइनस थीटा c, मतलब लाइट जस्ट बाहर निकल रहा है, I2 पता है तो R2 पता है और R2 पता है तो R1 भी पता है। कभी कभी क्वेश्चन कंडीशन इधर रिलेट होता है, आई वन पूछता है या म्यू पूछता है। जैसे अगर आई वन निकालने का बात करें, जेई में हमें पूछा था, तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम असनेल्स लॉ, असनेल्स लॉ एट फेस एबी पे अगर बात करें, एट फेस एबी पे बात करें, आप लिख सकते हैं कि लाइट एयर से आ रहा है 1 इंटू साइन आई बराबर म्यू इंटू साइन आर वन, इस आर वन का वैल्यू हटा के लिख रहे थे ए माइनस थीटा सी, जिसमें अगर लिखेगा तो साइन आई वन बराबर म्यू इंटू साइन ए माइनस थीटा सी, अगर आई वन लिखा जाए तो साइन इनवर्स म्यू इंटू साइन ए माइनस थीटा सी, जिसको जरूरत पड़ने पे लिखना चाहे तो म्यू इंटू साइन ए माइनस थीटा सी का मतलब क्रिटिकल एंगल डेंसर से रेडर जाने में साइन इनवर्स वन बाई म्यू। अब इसमें जो ज्यादा में बाहर निकलेगा कि कम में बाहर निकलेगा, जो पूछ रहा है बाहर निकलने का बात है कि अंदर रहने का बात है, थोड़ा ग्रेटर देन हो सकता है, लेस देन हो सकता है, जैसे जरूरत पड़े उसको एडजस्ट कर सकते। चल इस तरह से एक न्यूमेरिकली भी बात करते हैं, बोल रहा किसी प्रिज्म का एंगल ये 90 होगा, 45 भी हो सकता है। अगर इस प्रिज्म का एंगल अगर 90 डिग्री लाइट फेस पे आ रहा है, पूछ रहा है कि इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो सच दैट लाइट इमर्जेज पैरेलल टू इस फेस एसी। यहां पे म्यू दिए हुए होने का बात था, आई वन पूछ रहा था, यहां पे I1 दिया हुआ है और म्यू पूछ रहा है, सेम कंडीशन कि इस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो कि लाइट इस प्रिज्म पे जब 45 डिग्री से आए तो बाहर निकलने के बजाय अंदर रहने के बजाय फेस के पैरेलली बाहर निकले। फेस के पैरेलली बाहर निकलने का मतलब I2 का वैल्यू कितना है? और I2 का वैल्यू पता है तो R2 कितना, फॉर I2 90 डिग्री में भी थोड़ा देर पहले देख रहे थे
फॉर आई टू 90 डिग्री होने का मतलब आर टू बराबर क्रिटिकल एंगल, और अगर आर टू क्रिटिकल एंगल है तो आर वन बराबर ए माइनस आर टू में ए माइनस थीटा से, जहां पे इस ए का वैल्यू कितना 90 माइनस थीटा से, वेयर थीटा सी अगर बात कीजिएगा तो वेयर थीटा सी दैट इज क्रिटिकल एंगल विच वन बाय न्यू, यही हमसे पूछा जा रहा है, जैसे जरूरत पड़े इसको बैठा सकते। बोल रहा लाइट इतने से इमर्ज करना चाहिए तो आर टू निकल गया, इसमें आपको एक और इक्वेशन लिख सकते हैं जो दिया था 45 डिग्री पे आ रहा है फ्रॉम स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ एट फेस ए बी पे बात कीजिएगा, लाइट एयर से 45 डिग्री से इस मटेरियल के इनसाइड साइन आर वन का वैल्यू 90 माइनस थीटा सी में अगर लिखिएगा तो साइन 45 वन बाय रूट टू म्यू इनटू साइन 90 माइनस थीटा सी कॉस थीटा सी, जिसको हटा के लिखिएगा तो कॉस थीटा सी को वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी, वन बाय रूट टू बराबर म्यू इनटू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा सी विच वन बाय म्यू स्क्वायर, एलसीएम लीजिएगा तो म्यू वाला फैक्टर हट के म्यू स्क्वायर माइनस वन, स्क्वायर रूट कीजिएगा तो म्यू स्क्वायर माइनस वन बराबर वन बाय टू, दैट इज म्यू स्क्वायर बराबर ये उधर आ जाएगा थ्री बाय टू, मतलब म्यू बराबर लिखिएगा रूट थ्री बाय टू, तो जैसा पूछा जाए कंडीशन रिलेट कर सकते हैं, चलिए इसको नोट कर लेते हैं।